दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों के उड़े होश। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच आज एक रोमांचक अभ्यास मैच खेला गया जिसमें ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज भी दंग रह गए। इस बीच वसीम अकरम, शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक ने एक ऐसा बयान ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव को लेकर दिया है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार पाकिस्तान के दिग्गजों ने ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव को लेकर क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत में कौन T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच आज एक रोमांचक वार्म अप मैच न्यूयॉर्क के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, जहां पर आज के दिन ऋषभ पंत ने 32 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने 23 रनों की पारी खेली, साथ ही में सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया, जिसके चलते भारतीय टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों का स्कोर खड़ा किया। और ऐसे में ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी को देखते हुए पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें इंजमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस मैच में ऋषभ पंत की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है। इस मैच के अंदर ऋषभ पंत ने काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को बताया कि वो T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज के दिन भारतीय टीम के लिए ऋषभ पंत ने जिस तरीके से तूफानी पारी खेली है, उसके बाद गेंदबाजों को काफी ज्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये खिलाड़ी टीम के लिए मुख्य भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक बात तो स्पष्ट कर दी कि वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम की पहली पसंद के रूप में खेलते दिखाई देंगे। तो वहीं वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन इस बांग्लादेश की टीम के खिलाफ जिस तरीके से आज के दिन ऋषभ पंत ने तूफानी पारी खेली, वो बताता है कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अब अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ऋषभ पंत का T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब है, और ऐसे में ऋषभ पंत का इस समय अच्छा प्रदर्शन कर टीम के अंदर जगह पक्का करना काफी जरूरी था, जो भारतीय टीम की चिंता को भी दूर करता है। मेरा मानना है कि ऋषभ पंत अगर इसी तरीके से अच्छी बल्लेबाजी करते रहे तो भारतीय टीम के लिए वो मुख्य खिलाड़ी साबित होंगे और इस बार शायद T20 वर्ल्ड कप के अंदर भारत को चैंपियन भी बना देंगे। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश की टीम के खिलाफ भारतीय टीम के लिए ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की। आज के दिन जिस तरीके से ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई, वो बताता है कि भारतीय टीम के लिए ये दोनों खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में किस प्रकार की बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के लिए ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक बात तो स्पष्ट कर दी है और ये दोनों खिलाड़ी मिलकर भारतीय टीम को चैंपियन बनाने का काम कर सकते हैं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच खेले गए मैच में बांग्लादेश की टीम के खिलाफ भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया, और आज के दिन बांग्लादेश की टीम के खिलाफ जिस तरीके से ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। आज के दिन मैदान पर बेहतर बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन इस मैच के अंदर ऋषभ पंत ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए पहली पसंद है, जो टीम के अंदर विकेट कीपर की भूमिका निभाएंगे, और उनके साथ सूर्य कुमार यादव भी भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ी होंगे। तो दोस्तों, ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।